दिग्गज भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपनी ऑल टाइम आईपीएल 11 चुनी है। उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 से क्रिस गेल, हार्दिक पांड्या, आंद्रे रसल और कायरन पोलार्ड को बाहर का रास्ता दिखाया। वहीं टीम की कमान उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को सौंपी है, जिनके अंडर फ्रेंचाइजी ने 5 खिताब जीते हैं। अश्विन ने अपनी ऑल टाइम आईपीएल 11 के लिए सलामी बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा को चुना है। रोहित मुंबई इंडियंस के लिए लीग में सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों में से एक हैं और उनकी कप्तानी में टीम ने 5 खिताब जीते हैं। दूसरे बल्लेबाज के रूप में अश्विन ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विराट कोहली को चुना है। मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना को अश्विन ने नंबर 3 पर रखा है। चेन्नई के इस बल्लेबाज के नाम आईपीएल में 5,528 रन दर्ज हैं। उन्होंने अकेले दम पर चेन्नई को कई मैच जितवाए हैं। इसके बाद अश्विन ने सूर्य कुमार यादव को नंबर 4 पर चुना है। सूर्य इस समय वर्तमान में दुनिया के टॉप T20 बल्लेबाज हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को ऑल टाइम 11 में नंबर 5 पर अश्विन ने रखा है। मिस्टर 360 डिग्री ने आईपीएल में 5,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। छठे नंबर पर कप्तान धोनी को रखा गया है। इसके अलावा वो कप्तानी का जिम्मा भी संभालेंगे। स्पिन गेंदबाजी विभाग में अश्विन ने राशिद खान, सुनील नारायण को टीम में चुना है। इन दोनों गेंदबाजों का दुनिया भर की T20 लीग में दबदबा है। अश्विन ने अपनी टीम में 3 तेज गेंदबाज चुने हैं, जिनमें भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और लसित मलिंगा शामिल हैं।